हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम टेक्स पे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओम टेक्स को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक और फ्रेश वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ गया। अपने उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी की रिक्वायरमेंट निकल के आ गई है। अपने उत्तर प्रदेश जिले में ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी निकल के आ गई, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा वीडियो अच्छे से देखते रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी निकली है हमारे उत्तर प्रदेश यूपी जिले में। मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, अच्छे से पूरी बात सुनते रहिएगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, पूरी बात एकदम दिमाग में फीड कर लीजिएगा आप अपनी, और मैं इस नौकरी के बारे में पूरी अपनी ओपिनियन देने जा रहा हूँ, तो पूरी अच्छे से बात सुनिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी भूलिएगा, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो। ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी निकली है आपकी अपने उत्तर प्रदेश में। ग्राम विकास अधिकारी के पद में भर्ती निकली है अपने उत्तर प्रदेश जिले में। उत्तर प्रदेश जिले में ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी निकल के आई है। तो जॉब नेम है आपका यूपी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। यूपी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसमें आपकी नौकरी निकली है। टोटल पोस्ट हैं आपकी 1953 टोटल पोस्ट आपकी इस रिक्वायरमेंट में खाली हैं। तो अच्छे खासे पद हैं इसमें, नौकरी आपको लग सकती है, लग भी जा सकती है। अभी आपको आगे बताता हूँ क्या क्या करना है इस नौकरी को आप पाने के लिए, तो पूरी बात आप हमारी सुनते रहिएगा। पोस्ट नेम आपका नौकरी का नाम है, तीन नौकरी निकली इसी 1953 पद के अंदर। पहली नौकरी है आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की, सेकेंड नौकरी आपकी ग्राम विकास अधिकारी की, और थर्ड नौकरी आपकी समाज कल्याण अधिकारी की। तो तीन नौकरी निकल के आगे, पहली है ग्राम विकास अधिकारी, तो फिर सेकेंड है आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी, और थर्ड है आपकी समाज कल्याण अधिकारी। ये तीन पद खाली हैं, तीन पदों में आपको 1953 पद खाली हैं, तीन पद हैं आपके इसमें निकले हुए हैं, तीन पदों पर नौकरी निकल के आगे। टोटल पद खाली हैं आपके 1953। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था भैया, आप लोग ट्रिपल सी कर लो, तो ट्रिपल सी जिन्होंने किया होगा तो ये फॉर्म आप उन वो लोग भर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी 12th पास 60% से ऊपर, जिनके हैं 12th पास हों, 60% से ऊपर हों, और इसमें मांगा गया है ट्रिपल सी, CCC का कोर्स कंप्यूटर का, इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि भैया जो लोग ट्रिपल सी नहीं करे हो, एजुकेशन टास्क में आपको अगर याद होगा, कोई लोग देखते होंगे तो आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था ट्रिपल सी जल्द से जल्द कर लो, आपकी लेखपाल भर्ती में और इसी ग्राम विकास अधिकारी में अच्छी खासी नौकरी निकल के आने वाली है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उन्होंने ट्रिपल सी कर लिया होगा, तो वो इस नौकरी को भरने के पूरे पूरे हकदार हैं, और नौकरी भी लग जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। अब पूरी बात सुनिएगा, क्वालिफिकेशन मांगे गए 12th पास प्लस CCC ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स ये मांगा गया है, प्लस इसमें जॉब लोकेशन है आपकी उत्तर प्रदेश। आपकी नौकरी लगेगी तो आप उत्तर प्रदेश के ही होंगे, तो उत्तर प्रदेश में ही नौकरी करनी होगी आपको रह करके। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम आपका यही एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में ही होना है। ठीक है, सेंटर भी इसका उत्तर प्रदेश में होना, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी रिटर्न टेस्ट के आधार पर, जो रिटर्न टेस्ट का एग्ज़ाम है वो भी उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो एज मांगी गई है इसमें 18 से 40 वर्ष, इसकी उम्र आयु मांगी गई है 18 वर्ष से 40 वर्ष वाले इस फॉर्म को भरने के पूरे पूरे हकदार हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट है जो कल की है, 30/5/2018, 30 मई 2018 को ये फॉर्म निकल के आ गया, तो एक दिन का डिफरेंस मैं आपको उतने ही बजे एक दिन 31 को आपको ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती। ठीक है, फॉर्म लास्ट डेट है आपकी 29/6/2018, अभी कम से कम आपके पास 29 दिन है, करेक्ट 29 दिन है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। 29 जून 2018 इस फॉर्म की लास्ट डेट है, पूरी बात अच्छे से सुनिएगा, पूरे पॉइंट अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, फॉर्म फीस आपकी, फॉर्म फीस इस फॉर्म को भरने के लिए फीस मांगी गई है आपसे जनरल प्लस OBC की 185 रुपये, और SC ST और PWD और फीमेल की फीस मांगी गई है आपकी 95 रुपये। SC ST फीमेल PWD की फ़ीस है इस फॉर्म को भरने के लिए 95 रुपीज़ 95 रुपये, और SC ST वालों के सेम 95 रुपये हैं,
और जनरल प्लस ओबीसी की है 185 रुपये इस फॉर्म की फीस है। तो जनरल प्लस ओबीसी को ज़्यादा फीस पे करनी होगी, वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और फीमेल वालों को इन्हें 95 रुपीज़ जो कि कम फीस भरनी पड़ेगी। तो इस फॉर्म का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देंगे। अभी आपको आगे बताता हूँ, फीमेल को थोड़ी राहत दी गई है रिक्वायरमेंट में, ठीक है। अब पूरी बात सुनिए, ऑल इंडिया से फॉर्म भरा जाना है। रहते आप उत्तर प्रदेश में तभी भी फॉर्म भर सकते हो, रहते आप उत्तराखंड में हो तभी फॉर्म भर सकते हो, रहते आप रांची बिहार पटना जिला जहाँ पे भी रहते हो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो कहीं से भी अपने इंडिया में ये फॉर्म भरा जाना, तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की नौकरी है, तो उत्तर प्रदेश वाले जरूर जरूर सुने। उत्तर प्रदेश का ही चैनल है हमारा ओम टेक्स, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहता है। और पूरी बात सुनिए मेरी, ऑल इंडिया से फॉर्म भरा जाना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर, रिटर्न टेस्ट आपका उत्तर प्रदेश में होना, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आपका होना है, इस उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पे आपका रिटर्न टेस्ट होना है, वो जिला आपको हमारे जो आप ये फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें जो आप अपना लिंक या फिर फ़ोन नंबर डालोगे, अपना जीमेल आईडी डालोगे, तो उस पर आपको बता दिया जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा उसमें, ठीक है। सैलरी आपकी 5200 रुपये से स्टार्ट होगी, इस रिक्वायरमेंट की सैलरी आपको दी गई है 5200 रुपये से स्टार्ट होगी, 20,200 रुपये तक की खत्म होगी। तो अच्छी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी है। फॉर्म भरना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश वाले इंटर पास वाले जो अभी इसी बार 2018 का रिजल्ट आया था, वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर जिन्होंने CCC कर दिया होगा तो। 18 साल तो हो ही गए होंगे, इंटर में आ गए हो, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अप्लाई लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हालांकि मैं ही इस फॉर्म को भर रहा हूँ, आप अदर की तो बात ही छोड़ दो, मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ, मैंने इस फॉर्म को भर लिया है, अपने घर ही पे भर लिया, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप है। भर के केवल आज अब मैंने आपको लास्ट टचअप देना है, कंप्लीट सेंड करना है उस मेल पर। अब आपको बात करते हैं पूरी क्वालिफिकेशन, पूरी बात आपने हमारी मेरी सुन ली, अब पूरी बात बताता हूँ मैं आपको फॉर्म इसे कैसे भरना है। तो आपको नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको इस नौकरी संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिए, नोटिफिकेशन जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के टाइटल पर टाइप करिए, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर दिया होगा नोटिफिकेशन, बस उसी पर क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसी के जस्ट नीचे आपका दिया होगा अप्लाई लिंक, अप्लाई लिंक पर आप क्लिक करेंगे, लिंक को कॉपी कर लेंगे। फिर आप अगर अपने घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से उस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपको आता होगा तो, नहीं तो नहीं भर सकते हैं, मुझे आता था मैंने भर लिया। और अगर आपको ना आता होगा तो आप उस लिंक को कॉपी करे ही करे आप उसे अपने किसी नज़दीकी जनसेवा केंद्र साइबर कैफे पर ले जा करके थोड़े वो पैसे लेगा, उस फॉर्म को कंप्लीट भर देगा और अपनी जितनी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई नोटिफिकेशन में दी गई होगी, मैंने बताया भी है, 12th पास 60% से ऊपर और CCC का एक सर्टिफिकेट फोटो कॉपी, बस इतनी चीज़ आपको इस फॉर्म में मांगी गई है। बस इस फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल कर दीजिए। जनरल प्लस ओबीसी की फीस 185 रुपये और SC ST फीमेल की फीस है 95 रुपीज़, तो ज़्यादा फीस भी नहीं है। फॉर्म अच्छे से भर दीजिए, मैंने भी भर दिया, मैं जनरल में आता हूँ, 185 रुपये पे करके आया हूँ, तो अच्छे से इस नौकरी को देख लीजिएगा। ये तो कुछ मेरे ओपिनियंस इस नौकरी को लेने के लिए। नौकरी है आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी, और टोटल पद हैं आपके 1953। अच्छे से नौकरी पूरी देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश वाली जनता जरूर जरूर अप्लाई कर, फीमेल तो खास करके अप्लाई कर दीजिएगा, 95 रुपये फीस से ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया और अप्लाई लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब इतने थे मेरे इस नौकरी को नौकरी के जरिए ओपिनियंस, यही मेरे कुछ खास अच्छे से ओपिनियंस थे। अच्छे से पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गए होंगे पूरी बात। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो 12th पास अभी 2018 में पास करके निकले हैं, जिन्होंने CCC कर लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा इस नौकरी को फिल करने की कोशिश करें, नौकरी पाने की कोशिश करें और अच्छे से। और अगर उत्तर प्रदेश की नौकरी निकलेगी तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा जल्द से जल्द, ताकि उत्तर प्रदेश वाले जितनी भी जनता है इस वीडियो को देख करके नौकरी जल्दी से जल्द भर सके। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।